हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों, आज सभी का स्वागत है एप्टी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम अपने एग्जाम टॉपर सीरीज में अब हमारे एक और स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन हमारे फॉलोअर रहे हैं, विनय तिवारी। और विनय तिवारी ने हमारा लास्ट ईयर का विजेता बैच हमने लॉन्च किया था, उसका भी हिस्सा थे, उन्होंने उसमें भी अपना एनरोलमेंट किया था और उसके थ्रू उन्होंने अपने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सफलता हासिल की। इन्होंने लास्ट ईयर यानी 2020 में 3 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जिसमें से आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लेरिकल। ये 3 बड़े एग्जाम्स उन्होंने एक अटेम्प्ट अपने से उसी प्रीवियस ईयर में क्रैक किए हैं। तो आज हम मिलते हैं विनय से, वो अपने जो भी सक्सेस का राज है, जो भी उनकी जो मेहनत है, जो भी उनका जो भी स्ट्रगल है, वो सब कुछ आपके साथ अपने दिल से शेयर करेंगे। तो बुलाते हैं हम विनय को। विनय ज्वाइन कीजिएगा। हेलो विनय। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा विनय, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया है दोस्त। अच्छा विनय, पहली बार हम इस तरह से मिल रहे हैं वीडियो कॉल के जरिए, हमेशा मैसेज में ही बात हो रहा है। तो विनय, मैं जानना चाहता हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे इस चैनल को देखने वाले हैं, उन सबके मन में ये रहेगा कि हम थोड़ा सा बेसिक से शुरू करेंगे कि आपने तैयारी शुरू कैसे की। मतलब आपका पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो बताइए, फिर उसके बाद ये बताइए कि आपने बैंकिंग को क्यों चूज किया एज अपने करियर। सर, मैं यही लखनऊ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। एंड सर, एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है सर कि 2018 में मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। एंड सर, पहले सर प्रिपरेशन करने का नहीं सोचा था, पहले यही था कि जॉब करना है। तो पर सर फिर जॉब के सर्च के लिए गए तो सर फ्रेशर को प्राइवेट कंपनी सर 7,000-8,000 सर सैलरी दे रही थी। तो सर फिर डिसाइड किया कि मतलब इस चीज के लिए तो नहीं पेरेंट्स ने पढ़ाया है सर, इस तरीके से कब तक एक हैंडसम सैलरी गेन कर पाऊंगा। तो सर उसके बाद सर कहीं ना कहीं पहले से दिमाग में था कि बैंकिंग एग्जाम्स फास्ट रिजल्ट्स देते हैं, फास्ट जॉइनिंग देते हैं एंड सर पूरा का पूरा सर फेयर प्रोसेस है इनका। तो सर पहले से अट्रैक्शन तो था सर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, तो सर इसीलिए फिर बैंकिंग एग्जाम्स को सर ऑप्ट किया। एंड सर पहले देखा कि इसमें क्या कर सकते हैं, फिर उसी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ सर आगे बढ़े। चलो बहुत अच्छे। अच्छा विनय, थोड़ा सा ये बताइए कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं तो आपको एक एडवांटेज रहता है हमेशा, तो क्या ये सही बात है? सर ये सिर्फ सर बच्चों का गलत सोचना है सर, मैं अपने बारे में इसको बता करके गलत प्रूफ करूंगा कि सर सिर्फ और सिर्फ बच्चे देख लेते हैं कि बीटेक बैकग्राउंड से है तो पता नहीं क्यों मन में उनके डर आ जाते हैं कि यार ये तो कर लेंगे, हम बीए वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, कैसे करेंगे। तो सर मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे हमेशा से मैं सर एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। 12th में मेरे सर 61% है एंड सर 12th में बोर्ड को छोड़ करके मेरे पिछले चारों एग्जाम्स में मैथ में फेल हुआ हूँ। तो सर ऐसा कुछ भी ऐसा सर कुछ भी एडवांटेज टाइप कुछ नहीं है, बस मेहनत करने की जरूरत है। आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए, मेहनत की लगन होनी चाहिए। आप अगर किसी चीज को 1 घंटा बैठ के देखेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा कि मतलब, तो सर सिर्फ मेहनत का खेल है ये, कुछ भी सर एडवांटेज कुछ भी नहीं है बीटेक का इसको सर। हाँ कुछ बच्चे को हो सकता है लेकिन इसको एज अ मतलब फैक्टर नहीं बनाया जा सकता कि नहीं बीटेक है तो एडवांटेज है। आप बस मेहनत करिए सर, मेहनत से सब पॉसिबल है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें यही बोलते हैं कि सर हम बीकॉम बैकग्राउंड से, हम बीए बैकग्राउंड से हैं तो हमें बड़ा मैथ दिक्कत देता है। तो मैंने भी यही ऑब्जर्व किया है, मैथ अगर आप मेहनत करेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं देता, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो इंजीनियरिंग भी स्टूडेंट हो तब भी दिक्कत तो देता ही है। ठीक है विनय, बहुत अच्छा लगा आपसे। बोलिए विनय। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, बीटेक में जो भी बैंकिंग सब्जेक्ट्स है वो नहीं है सर, केवल 2 सेमेस्टर में मैथ्स होता है और उसमें सर मैथमेटिक्स होती है, एप्टीट्यूड नहीं होता है। तो सर एडवांटेज तो नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, सही बात सर। माइंडसेट में है कि आपको मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत। सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मेरा जैसे मैंने बताया एवरेज बैकग्राउंड से हूँ सर, तो सर टाइम एंड वर्क परसेंटेज बोट एंड स्ट्रीम ये सर कभी मैंने क्लास में पढ़ा है मुझे याद भी नहीं था कि मैंने इनका चैप्टर का नाम भी कहीं देखा है। तो सर मैंने कभी हमेशा बस नंबर लाओ चैप्टर को लगन से कभी पढ़ा नहीं था स्कूल में। तो सर तब भी सर जैसे यहाँ पे पढ़ा, धीरे 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 चीजें इम्प्रूव हुई, लगे रहे, तो सर वो सब कुछ गेन होता है, सब कुछ गेन होता है, बस मेहनत करनी चाहिए। ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही आपने।
अच्छा विनय, ये बताइए आपने लास्ट ईयर कौन कौन से एग्जाम अपीयर किए थे और कौन कौन से क्लियर किए? मैंने हालांकि इंट्रोडक्शन में बताया है, बट फिर भी आपके हिसाब से सुनना चाहेंगे। सर मैंने लास्ट ईयर बैंकिंग एग्जाम्स जितने होते हैं, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईपीएस पीओ, आईपीएस, आईपीएस क्लर्क, सारे एग्जाम्स दिए थे। एंड सर सारे के ही प्रीलिम्स क्लियर थे, सर सभी के मेंस भी दिए थे। बट सर फाइनली जिसमें सक्सेस मिली वो सर आईपीएस आरआरबी पीओ में, आईपीएस आरआरबी क्लर्क में, एंड सर आईपीएस क्लर्क में, एंड सर आईपीएस पीओ मेरा 1 मार्क से क्लियर नहीं हुआ था। ओके, बहुत करीब गए थे एकदम। जी ओके, सर। अच्छा अभी आपने इनमें से ज्वाइन कौन सा किया है? सर मैं आरआरबी पीओ सर ज्वाइन कर रहा हूँ, ओके, अभी अभी सर तक ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हम हुआ लोग नहीं की है। जुलाई 10, नो सर 10 जुलाई तक सर है, अजम्पशन की हो जाएगी। ओके, यूपी से ही हुआ है आपका सिलेक्शन? जी सर यूपी से ही। जी, वेरी गुड। अच्छा, तो अभी इस साल भी कोई एग्जाम देने वाले हैं या फिर मतलब अभी बस आरआरबी पीओ ही बनना है? नो सर अभी LIC EO के लिए सर पढ़ाई कर रहे हैं, एंड सर ESIC SSO के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सर उसी के लिए फोकस कर रहे हैं अभी। ग्रेट ग्रेट, बहुत यस अच्छी बात सर। है यार। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आपकी प्रिपरेशंस को लेके। ठीक है, अभी ये तो हमने बात कर लिया कि आप कैसे इस फील्ड में आए ना, आपने प्रिपरेशन करना शुरू कैसे किया और कब से? जैसे 2018 में आपका ग्रेजुएशन हुआ तो माइट भी आपने 2018 से प्रिपरेशन शुरू किया होगा, तकरीबन आपको 2 साल लग गए अपने सिलेक्शन में। तो आप थोड़ा हमारे बच्चों को ये बताइए कि आपने शुरुआत कैसे की और स्टडीज कैसे स्टार्ट की, वो थोड़ा सा हमें डिस्कशन कीजिएगा। सर 2018 में जून जुलाई में ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद सर मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो सर नी की सर्जरी सर 6 मंथ्स उसमें लगे कवर होने में। तो सर उसके बाद 2019 जी सर 2019 स्टार्ट से मैंने सर प्रिपरेशन शुरू की। तो सर पहले हर बच्चे के मन में होता है कि कोचिंग करना चाहिए या घर पे करना चाहिए। तो सर जो मेरे एक दो फ्रेंड थे सर जो पहले ही ज्वाइन कर रखे थे कोचिंग, उनकी सर मैंने राय ली। तो सर उन्होंने बताया कि टीचर्स आते हैं और 2 घंटा सिलॉग पढ़ाया, सिलॉग वहीं खत्म हो जाता है। तो सर मुझे लगा कि इस टाइप की कोचिंग करने से कोई फायदा नहीं, वही यूट्यूब पे वीडियो में 2 घंटे की वीडियो में 4 दिन दे सकता हूँ, पॉज करके दे सकता हूँ, रिज्यूम दे सकता हूँ। तो सर फाइनली यही डिसाइड किया कि नहीं, इस एग्जाम को घर पे बैठ करके ही सर तैयारी करनी है। एंड सर स्टार्टिंग में सर गाइडेंस ना होने की वजह से पुराने जो स्टूडेंट्स हैं सर उनसे पूछ करके स्ट्रेटजी बना करके खुद सर एक रोड मैप तैयार किया कि इस तरीके से चलना है। और उसमें सर हमेशा कभी चेंजेस होते रहते हैं, जब पता चलता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ अच्छी, तो सर उसी के अकॉर्डिंग खुद से ही सर एक एक टॉपिक प्रिपेयर किया है सर, सब कुछ ऑनलाइन सर सेल्फ प्रिपेयर किया है, बहुत इवन अच्छा, इंटरव्यू तक सर सेल्फ प्रिपेयर किया है, कोई भी कोचिंग नहीं। बहुत बहुत बढ़िया विनय, काफी अच्छी चीज आपने बताई है। मतलब YouTube के ऊपर लगभग सारी चीजें अवेलेबल हैं अगर आप करना चाहें तो। जी हाँ, यस सर बहुत अच्छे। सर मेंस के लिए कुछ कोर्स लिया जा सकता है, पर एक ये रूल नहीं बनाना चाहिए, बच्चे होते हैं पेरेंट्स के पास चले आते हैं, नहीं सर पेरेंट्स दिला दो सर, वो कोर्सेज महंगे भी होते हैं कभी कभी, और तो सर कोई मतलब ये नहीं है कि कोई एवरेज बच्चा कोई गांव में भी बैठ के पढ़ रहा है सर, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो भी सर यूट्यूब के थ्रू आराम से कर सकता है। तो जी सर साधनाओं की कमी नहीं है, साधना की कमी है, साधन बहुत है। बहुत अच्छा बात कहा आपने। जी हाँ, YouTube पे भी काफी कंटेंट है, हम भी पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर कोई डेडिकेशन से अगर पकड़ लेना उन चीजों को तो बहुत अच्छा हो जाता है। ये तो कोई कोर्स लेना भी तो कोई गारंटी नहीं होती है कि मतलब हो ही जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, ये तो बहुत सही चीज जी सर कही जी सर है। अच्छा, अभी ये बताइए नहीं सर नो सब्जेक्ट डाउट वाइज। कोर्स हेल्प करते हैं नहीं करते हैं, सर, मैं ये नो डाउट नहीं, कोर्स हम भी हेल्प ये नहीं करते कह हैं। रहे हैं केवल। जी नहीं, कई बच्चे जिसका फाइनेंशियली इश्यूज रहते हैं फिर वो बार बार ये सोचते हैं कि यार हमें फाइनेंशियल इश्यू है, हम इस वजह से एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो वो मेंटेलिटी से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, मेरा ये कहना है। जी सर जी सर जी अच्छा विनय, ये बताइए अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसको, थोड़ा सा आपकी तैयारी को डीप में लेके चलते हैं कि आपने सब्जेक्ट वाइज कैसे प्रिपेयर किया था। जैसे क्वांट है, आपने कुछ फोकस किया होगा, आप जब सिंस आप बता रहे हैं आपका मैथ्स में उतना अच्छा मतलब बैकग्राउंड नहीं रहा था, तो आपने मन में यस सोचा सर होगा कि सर यार मैं मैथ्स को इस तरह से हेल्प करूंगा, इस तरह से मैं अच्छा करूंगा। आपको क्या क्या चीजें लगी कि यार हाँ अभी मेरा मैथ्स अभी ठीक हो गया है, किस तरह से आपने अप्रोच किया उसको? सर स्टार्टिंग में सर जब मैथ को मैंने सारे टॉपिक नोट किए, अर्थमेटिक सर, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, सब कुछ नोट किया। एंड सर स्टेप बाय स्टेप एक एक अर्थमेटिक चैप्टर्स पहले इजी से सर, जैसे पहले पार्टनरशिप पढ़ा, एवरेज पढ़ा, एजेस पढ़ा। तो सर ये तो कभी नहीं हुआ कि मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रही। हाँ सर स्टार्टिंग में ये होता है कि आज ये क्वेश्चन लगा
और 2 दिन बाद एग्जाम दिमाग से उतर जाता है सर। तो सर उसके लिए सर कॉन्टिन्यूटी प्रैक्टिस चाहिए। तो सर स्टेप बाय स्टेप आप अगर एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाएंगे तो वो आपके दिमाग में आएगा ही। तो सर स्टार्टिंग में मेरा, मुझे रीजनिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे लगता था कि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड सर एक सब्जेक्ट मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। एंड सर इंग्लिश मेरा एवरेज था, प्री में 18 to 20 marks आ जाते थे। एंड सर फिर मैथ्स, मैथ सर स्टार्टिंग मुझे लगता था मेरा वीक है वीक है वीक है, पर सर सीरियसली फ्रेंकली स्पीकिंग केवल प्रैक्टिस 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 मॉक लगाने से मैथ मेरा कब अच्छा हो गया, कब मुझे एक्स से लगाना जो नहीं पसंद था वो ऑटोमेटिक मेरा हाथ एक्स से लगाता था। तो सर वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते सर सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी सर। ओके, अभी अब थोड़ा सा बच्चों को ये भी बताएं कि आपने इंग्लिश को कैसे टैकल किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली नॉर्थ के जो स्टेट्स होते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार, दिल्ली, इस तरफ के बच्चों को, दिल्ली तो नहीं बोलेंगे, चलो राजस्थान, हरियाणा, यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, उनको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का एक बड़ा ऑब्स्टेकल रहता है इंग्लिश, इंग्लिश को कैसे किया जाए। तो आप भी उसी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इंग्लिश को कैसे रखा। सर इंग्लिश के लिए कुछ बच्चे ग्रामर पे फोकस्ड हो जाते हैं, नहीं ग्रामर अच्छी करनी, ग्रामर अच्छी करनी है। तो सर ग्रामर का यूज है, मगर ये नहीं कि आप कोई ग्रामर की किताब पढ़ने बैठ जाएं। इससे अच्छा है कि सर आपको रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। डेली 30 to 40 minutes रीडिंग करनी है, और उसके साथ एक क्विज देना है और मॉक अटेम्प्ट करना है, ताकि आप जो रीडिंग कर रहे हैं अब उसको यूज कैसे करना है ये भी सीखना है। एंड जी सर इंग्लिश में भी आपका जो फेवरेट एरिया है, जैसे पहले क्लोज टेस्ट हो गए, मैथ्स द फॉलोइंग हो गए, तो सर इन सभी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये सर जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं और आपकी 5 में से 3 क्वेश्चन में तो एक्यूरेसी रहेगी। तो सर रीडिंग करना चाहिए एंड साथ में क्विज भी देनी चाहिए कि आप उस चीज को यूज भी कर रहे हो साथ साथ। ये नहीं कि सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं और 1 महीने में 2 मॉक पे उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो सर करेक्ट, रीडिंग प्लस क्विज प्लस मॉक, और आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर के रीडिंग सर समझने की चीज है सर, कि आप समझ के रीड कर रहे हैं। ऐसे सर मॉक कर रहे हैं तो उसको आपको चारों ऑप्शंस को एक बार बैठा करके फिल करा करके आपको अपने तरफ से श्योर आंसर मारना है। एकदम हरियप में मुझे नहीं आता है, हड़बड़ी में आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आप उसको कॉन्फिडेंटली टिक करिए, तब वो गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने कम से कम कॉन्फिडेंटली टिक तो किया। तो सर एकदम सीरियसली इंग्लिश को अटेम्प्ट करना है अपने तरफ से। अगर आप 20 अटेम्प्ट भी करते हैं तो वो आपकी तरफ से श्योरिटी के साथ जाने चाहिए। ये नहीं कि सर कभी ना कंसंट्रेशन के टिक कर दिया। तो आप एक बार कंसंट्रेशन से रीड करके टिक करिए, आंसर आपके आपकी गलतियां कम होने लगेंगी। आप देखेंगे पहले जो 6 होती थी 8 गलतियां वो रेड्यूस होने लगेंगी धीरे धीरे। 1 2 सर ये करेक्ट, सर मैंने खुद ऑप्ट किया ये तरीका कि कंसंट्रेशन से सर इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव हुए, कि जब अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कंसंट्रेशन बढ़ाया है तो सर जी इससे मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और है जो काफी सारे बच्चों को परेशान भी करती है, और उसकी वजह से वो डिमोटिवेट भी होते हैं। जैसे आपने तैयारी 2019 से शुरू किया, तो 2019 में तो बहुत कम एग्जाम आपकी निकली होंगी, कुछ मिस जी भी हुई होंगी, तो उस कंडीशन में मोटिवेट कैसे रखने का कि आपने 2020 में फिर और डबल मेहनत की कि भाई मेरा इस साल तो एग्जाम, और लगभग आपने 2020 में, जैसे खुद ने कहा कि लगभग सारे प्रीलिम आपने क्रैक किए थे, तो ये किस यस तरह सर, से लास्ट बच्चे 8 प्रीलिम्स रखें मैंने क्लियर किए हैं। जी, तो बच्चे किस तरह से इस चीज को हैंडल करें कि यार अपनी फेलियर को भी मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करें, उसको भी थोड़ा सा डाइजेस्ट करें, और उसके साथ कंसिस्टेंट एफर्ट रखें, ताकि चलो इस साल अगर नहीं भी हुआ तो अगले साल हम डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर ही लेंगे, ये कैसे हो। सर सर इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है कि सर बैंकिंग एग्जाम्स हम लोग को हर 1 से 1.5 महीने बाद नेक्स्ट एग्जाम आ जाता है। तो आप अगर किसी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाए तो आप क्यों उसको लेकर के बैठ रहे हैं? आपको इतना ही गुस्सा आया है तो आप डबल मेहनत करिए अगले एग्जाम पे। ये तो सर हमारे बैंकिंग एग्जाम्स की खासियत है कि लगातार आपको मौका दे रही है, आपको सर करेक्ट, परफॉर्म करने का चांस मिल रहा है। तो सर स्टार्टिंग में मेरे सर SBI PO 2019 नहीं निकला था प्री, SBI क्लर्क प्री नहीं निकला था, RRB PO प्री नहीं निकला था, RRB क्लर्क प्री, ये सब थोड़े थोड़े मार्क्स सर 5 to 6 या 4 मार्क्स से रह जा रहे थे। RRB क्लर्क प्री नहीं निकला था एंड सर IPS PO नहीं निकला। एंड सर उसके बाद तो सर इसके मैं डिमोटिवेट नहीं होता था, क्योंकि सर हमेशा लगता था ना सर, जैसे सर एग्जाम देने गए तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर जब तक मेरे दिमाग में ये कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये पेपर मेरे लायक था, मैंने जो पढ़ा है उसको मैं कर सकता हूँ, बस हाँ आज का दिन खराब था जो मैं एक पजल नोट गलत हो गई, या सर इस टाइप की चीजों से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये देखना है कि यार ये पेपर मुझे आता था, मैं इसको क्रैक कर सकता था। हाँ गलतियां हो गई, कुछ दिन अच्छा नहीं था,
तो सर आगे और एग्जाम से आपको अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, उसको मॉक पे अप्लाई करना है कि या मैं गलती मॉक पे इसको अप्लाई करूंगा कि ये गलती कल को मेरे एग्जाम में ना हो। एंड सर एक चीज और है ऐड करना चाहूंगा कि सर आप जब फेल होते हैं तो नो डाउट आपकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी कमियां होंगी, पर इसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि नहीं बहुत बड़ी कमी है। मैं सर बता रहा हूँ कि मेरे जब प्री क्लियर नहीं होते थे और जब लगातार पिछले अगले 8 प्री में लगातार क्लियर हुए, तो सर इसमें कोई भी स्ट्रेटजी में सर 5% का अंतर होगा। तो सर इसमें जो मेन है फैक्टर वो ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस कंटिन्यूटी चाहिए। वही प्रैक्टिस आपका एग्जाम जो नहीं निकलवा रही है, वही सेम प्रैक्टिस आपका कल एग्जाम निकलवाएगी। तो सर हार नहीं मानना है, बस लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और सर सपना देखा है तो सर इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सर आगे क्या करेंगे आगे लाइफ में अगर ये नहीं किया तो। जी, तो सर उस बहुत पे अच्छी अगर बात छह कही। महीने 8 महीने सर अगर मेहनत कर डाली है तो आप ऑलरेडी 70-80% जर्नी कवर कर चुके हैं। आपको सर बस अपनी गलतियों से जो आपके दोस्त हैं उनसे एनालाइज करके इंटरव्यू वीडियोस देख करके अपनी गलतियां ढूंढनी कि वो बच्चे जो क्लियर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेहनत में कमी है, स्ट्रेटजी में कमी है। तो सर ये और हर 3 to 4 days में सर अपनी कमियों को आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको एनालाइज करना चाहिए कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ पढ़ाई में, मेरा कोई छूट तो नहीं रहा। जैसे सर मेरे साथ होता था कि मुझे लगता था कि हाँ यार मैं इंग्लिश छोड़ दे रहा हूँ पिछले 3 दिन से, तो सर वो हर 3-4 दिन में अपने स्टडी को एनालाइज करना चाहिए कि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात की विनय आपने, बहुत बढ़िया इंस्पिरेशनल बात कही है। आपकी बातें सुन के तो मुझे भी लग रहा है कि काश मैं भी प्रिपेयर करना शुरू कर दूं फिर से। बहुत बढ़िया बात बोली आपने यार, वाकई में ये चीज हमने भी बहुत फील की है। बच्चे मतलब एक छोटा सा फेल्योर देखते हैं और अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को गलत मान लेते हैं, तो ये चीज हम भी उनको जी सर समझाते हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहिए, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेटेजी में हर बार कोई कमी हो। बहुत अच्छी, ये बहुत जी सटीक सर बात है। अगर कोई सुन रहा होगा, इस वीडियो को देख रहा होगा, तो प्लीज इस चीज पे गौर कीजिएगा। बहुत डिटेल बात है और बहुत डेप्थ की बात कही है आपने, बहुत अच्छा लगा मतलब ये बात सुन के हमें। और आपके मुंह से आई है तो शायद हम तो बोलते ही रहते हैं इन चीजों को, बट अगर कोई स्टूडेंट और सक्सेसफुल स्टूडेंट कहता है तो माइट भी बच्चे इसको और थोड़ा सा सीरियस ले लें। ठीक है विनय, बहुत अच्छा यस है सर ये यस सर सर चीजें। अच्छा अब मुझे थोड़ा सा ये चीज बताइए कि जब सिलेक्शन हो गया फाइनल, तो घर वालों की क्या फीलिंग्स थी, घर पे कैसा माहौल हुआ, क्या लगा फिर आपको? सर घर पे यही फीलिंग थी कि सर मेरी फैमिली में या सर जैसे मैंने बताया एवरेज बैकग्राउंड से, तो किसी को तो भरोसा ही नहीं था कि क्लियर हो सकता है मेरा एग्जाम। तो सर वो तो बस खुद में विश्वास था कि नहीं करना है करना है। सर घर वालों ने विश्वास माना या दोस्तों को लगा कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, वो सर आखिरी के 4-5 महीनों में जब घर वालों ने देखा कि नहीं लगातार प्री क्लियर हो रहे हैं मेंस देने जाता है, तो फिर सबको लगा कि हाँ इसका कुछ हो सकता है। बाकी सर 1.5 साल की जर्नी सर खुद ही से मोटिवेशन खुद ही से सर सब कुछ कवर करना पड़ा है, क्योंकि सर और ये चीज सर होना भी नहीं चाहिए कि जब 10 लोग बोले तुम कर सकते हो तब हमको विश्वास आए कि हम कर सकते हैं। ये तो सर अपनी प्रिपरेशन अपनी मेहनत पे विश्वास होता है कि यार इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो चाहिए मैं वो उतना तो कर रहा हूँ। हाँ मैं इस एग्जाम में टॉप नहीं मारूंगा, मगर मैं 1 नंबर से भी अगर आता हूँ तो मुझे बस सिलेक्शन से मतलब है, जो टॉप कर रहा है उसको भी वही सैलरी मिलनी है आपको भी वही सैलरी मिलेगी। तो सर बस यही है कि सर बस मेहनत करनी है, बहुत बाकी कुछ बढ़िया भी नहीं सोचना है, खुद पे विश्वास रखना है। जी, नहीं बहुत अच्छी बातें कही हैं आपने। आई थिंक बहुत सारे बच्चे इस चीजों से कुछ सीखेंगे, कुछ तो अगर उनकी तैयारी में एड ऑन मिलेगा तो इट विल बी अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। तो बहुत अच्छा लगा विनय आपसे बात करके। अगर कुछ लास्ट जी मैसेज आप सर हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं तो जरूर दे सकते हैं। सर लास्ट मैसेज यही है कि आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है। अगर आपने सर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सर अगर लास्ट बॉल पे एक बॉल पे छक्का चाहिए 6 चाहिए मैच को जिताने के लिए, तो सर बॉलर के बॉल फेंकने से पहले बैट्समैन के बैट चलाने से पहले सर बैट्समैन को खुद में विश्वास होना चाहिए कि मैं ये इस बॉल पे 1 पे 6 रन मार सकता हूँ। तो सर आप चाहे जितनी पढ़ाई कर ले आखिरी में जो मैटर करेगा एग्जाम वाले दिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, आप खुद अपनी पढ़ाई को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, सर ये सब चीजें मैटर करेंगी। तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें कि हाँ यार मैंने इतना तो पढ़ा है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो सर एटीट्यूड आप चाहे जितना पढ़ लें एग्जाम वाले दिन आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक अच्छा माइंडसेट लेकर के ही जाना है, कुछ भी निगेटिव चीजें नहीं सोचनी, अपनी मेहनत पे सर विश्वास रखना है। चलिए, बहुत अच्छा लगा विनय आपसे बात करके, एंड आई होप आपका आगे का फ्यूचर, आगे का करियर बहुत ही शानदार रहे, ब्राइट रहे। और हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से आप सब थैंक यू आपके सर लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आगे आने वाले समय के लिए।
ठीक है विनय, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बिल्कुल बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट इस डिस्कशन से निकल के आए हैं। तो आई होप जो भी बच्चे इस एनालिसिस या इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो उन लोगों को भी बहुत सारी अपनी गलतियों का एहसास होगा और चीजें सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो अच्छा लगा विनय आपसे बात करके, बहुत अच्छा जी सर, इंटरव्यू था, मुझे बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा, डिस्कशन। हमेशा सर मैसेज पे बात हुई है सर, जी ऐसे पहली बार हुई है। करेक्ट करेक्ट, नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा विनय, और बहुत हमारे बच्चों को भी आई होप इससे बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है विनय, फिर मिलेंगे जरूर कभी ना कभी, जब जब चीजें सारी नॉर्मल होंगी कभी ना जी कभी, सर जी उम्मीद सर, करते हैं कि आप लोगों से मिलना भी होगा। ठीक है नहीं सर जरूर जी मिलेंगे। जी विनय, ठीक है विनय, चलिए सर, बाय बाय ओके दोस्तों, सर, फिर थैंक यू मिलते सर। हैं। जी बाय बाय।